मम्मी व्हाट इज दिस, आपने मेरे सारे अकाउंट बंद करवा दिए। मैं शॉपिंग करने गई थी, ना मेरा डेबिट कार्ड चल रहा है और ना ही क्रेडिट कार्ड। हाँ करवा दिए तो आप मुझे कौन सी सजा दे रही हैं? तुम्हें जो देना होगा ना मैं खुद खरीद कर दूंगी, लेकिन उन लोगों पर खर्च नहीं करने दूंगी तुम्हें। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। आज डैड जिंदा होते तो वो आपको मेरे साथ ऐसा करने नहीं देते। अगर वो जिंदा होते ना तो इस तरह से तुम लोगों को मनमानियां ना करने देते। उन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल था। तुम्हारे ससुराल वालों को पहले दिन ही चलता कर देते वो। मम्मी आज के जमाने में स्टेटस को कौन देखता है, लोग शरीफ होने चाहिए बस। जो गलती तुम लोग कर चुके हो ना अब तुम्हारी बहन भी कर रही है, और तुम दोनों समझाने की बजाय इसे शह दे रहे हो। मम्मी फरी की शादी है, थोड़ी सी शॉपिंग तो करेगी, आयमा की तरह फजूल खर्ची तो नहीं करती। उसके बिल्स पे कर करके मैं पागल हो चुका हूँ। तनी कौन सी गलती की सजा मिल रही है मुझे? तो तुम कंट्रोल क्यों नहीं करते उसे? बहुत अकड़ आ गई है शादी के बाद से उसमें। उसके भी सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दो। एनी ने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, और ना ही मैंने उसे अपना कोई कार्ड दिया। अरे उसे जरूरत भी क्या है, महरोज इतना कुछ तो छोड़कर गया है उसके लिए, उसके अकाउंट में बहुत पैसा होगा। मम्मी एनी ने महरोज भाई के पैसे आज तक इस्तेमाल नहीं किए। तुम उसे जानते नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ, बहुत चालाक और घटिया लड़की है, सही वक्त का इंतजार कर रही होगी। ओफो, आप लोग तो अपनी बहस में लग गए, मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दें, मुझे शॉपिंग करनी है। यहाँ आकर आराम से बैठो, फारिग होते हैं तो चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ, खुद दिलाती हूँ तुम्हें कुछ जोड़े और एक आध सेट। फिलहाल इसी पर सफर करो, बाद में देखूंगी। मैं अपनी शादी का ड्रेस अपनी पसंद से लूंगी, ना मुझे उनकी पसंद कबूल है और ना ही आपकी। फरी अभी भी वक्त है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ। Can't believe this. ये कैसे हो सकता है? नहीं ये गलत है, मुझे किसी और हॉस्पिटल से दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए। How is this even possible? मम्मी मैं आरिफ साहब के साथ ये सब क्या है मम्मी? फरी के लिए ड्रेसेस मंगवाए। मंगवाए हैं? आप फरी को साथ लेकर नहीं गई? इसकी जरूरत नहीं थी। और ये कहां से मंगवाए आप? वहीं से जहां से वो लोग डिजर्व करते हैं। और आपको लगता है कि फरी ये सब पहन लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी? ये सबके कपड़े डिजाइनर से बन के आते हैं मम्मी, आपको नहीं लगता आप उसके साथ ज्यादती कर रही? बहन है वो हमारी, बेटी है आपकी। अच्छा और जो ज्यादती वो हमारे साथ कर रही है उसका क्या? धनी किस उठाए गिरे को लेकर आ गई है कि मैं इससे शादी करूंगी? तो आप उसको इस बात की सजा देंगी? हाँ वो यही डिजर्व करती है और उसके ससुराल वाले भी। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो ये सब एक्सेप्ट करेगी, उल्टा कोई हंगामा खड़ा कर देगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
जैसी अंगूठी आई थी वैसे ही सामान हमारी तरफ से भी जाएगा। इस जिंदगी का इंतखाब फरी ने खुद किया है। अगर मेरे फैसले मान लेती तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती। अब अगर उसे ये सब पसंद नहीं आता तो इनकार कर दे शादी से। बस मैं आपको ये बताने आया था, मैं ऑफिस के काम से जरा बाहर जा रहा हूँ।